वेलकम टू स्टडी मटेरियल बाय डीएस। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेवी डबाले एसएसआर 2019 में जो 26 फरवरी 2019 को पेपर हुआ उसके तीनों सेप्टों के क्वेश्चंस आंसर, यहां पे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई 26 फरवरी के भी क्वेश्चंस का ये वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर अच्छा सा रिस्पांस दें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। और इस वीडियो में हम चलेंगे सेक्शन वाइज, पहले इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, उसके बाद जीके के क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश के पोर्शन की, तो इंग्लिश के पोर्शन में पहला क्वेश्चन था कि ऑब्स्क्योर का एंटोनिम क्या होता है। तो ऑब्स्क्योर के एंटोनिम की अगर हम बात करें तो ऑब्स्क्योर का एंटोनिम होता है क्लियर या प्लेन, और ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि वहाँ पे ऑप्शंस क्या रखे गए थे। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सस्पेक्ट का सिनोनिम हमसे पूछा था, तो सस्पेक्ट का सिनोनिम होता है सरमाइज। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है एडमोनिशन का एंटोनिम हमसे पूछा था, तो एडमोनिशन का एंटोनिम होता है कमेंडेशन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये दोनों भी पेसिव से पूछ मतलब वॉइस से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर था कि हनी टेस्ट स्वीट, और पांचवा नंबर था थैंक गॉड। इन दोनों को हमें पेसिव में बदलना था। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि आपने वहाँ पे क्या मतलब कौन सा ऑप्शन टिक किया था, आपने कौन सा आंसर वहाँ पे टिक किया था, ताकि फिर उसके बाद मैं आंसर आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा ताकि आप उससे मैच कर सकें। चलते हैं आगे। छठवां क्वेश्चन था कि कम्प्लीमेंट का हमसे सिनोनिम पूछा था, तो कम्प्लीमेंट का सिनोनिम आई थिंक सिनोनिम पूछा था तो ये होता है अकम्पेनीमेंट या होता है एडिशन। सेवन नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एडमोनिस का हमसे सिनोनिम पूछा था, तो एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी देना, और इसका सिनोनिम होता है रिव्यूक या स्कोल्ड। एट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एट नंबर क्वेश्चन था कि ऑब्सक्यूज का सिनोनिम क्या होता है। सो ऑब्सक्यूज का मतलब होता है अप्रसिद्ध, तो ऑब्सक्यूज का जो सिनोनिम है वो होता है अनक्लियर या अनसर्टेन। उसके बाद नाइन नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नाइन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन जो नैरेशन से पूछे गए थे, और उसके बाद टेन नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन वॉइस से पूछे गए थे। तो फ्रेंड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिफेंस एग्जाम में नैरेशन और वॉइस का और प्रपोजिशन तीन टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हर पेपर में कम से कम पाँच या छः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इलेवन नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तीन से चार फिलिंदा ब्लैंक्स थे जिसमें शायद प्रपोजिशन को फिल करना था, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आपको उनके आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वहाँ पे हमसे रियलाइज का सिनोनिम पूछा था, तो रियलाइज का सिनोनिम होता है परसीव या फिर रजिस्टर। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे था डैश ऑफ द गर्ल हु ईट्स एग, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे लग जाएगा सी इज वन ऑफ द गर्ल हु ईट्स एग्स, और इसके अलावा वहाँ पे फिर ऑप्शंस पे निर्भर करता है कि वहाँ पे क्या ऑप्शंस आपको दिए रखे थे। उसके बाद 14 नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी फिलिंदा ब्लैंक्स है ही इज और डैश एबल मैन, तो ही इज़ एन एबल मैन। आई होप दोस्तों आपने वहाँ पे क्वेश्चन को राइट टिक किया होगा, और इसके अलावा पैसे से भी क्वेश्चन पूछे गए थे चार पांच, तो आपने ओवरऑल इंग्लिश का जो पोर्शन वो हर पेपर में ही सरल आया है, तो आपने अच्छे से अच्छे मार्क वहाँ पे सिक्योर किए होंगे। आगे चलते हैं, अगर बात करें हम मैथ्स के पोर्शन की, तो मैथ्स का पोर्शन यहाँ पर थोड़ा अच्छा था। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है उसने कि साइन टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कीजिए। तो साइन अगर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन अगर हम करेंगे तो साइन टेन इनवर्स का मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को मान लेंगे टी, तो साइन टी यहाँ पे हो जाएगा। साइन टी का अगर हम अवकलन करेंगे तो होगा कॉस टी, और उसके बाद अगर जो टेन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर जो है वो निकल के आना था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस टेन इनवर्स एक्स। अगर आपने ये राइट किया है तो आपका एक नंबर एकदम यहाँ से पक्का होता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर टू पर, तो क्वेश्चन नंबर टू था कि समाकलन वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस वन का मान निकालिए। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे इस तरह से लिखा है वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका तो आंसर अब निकल के आएगा लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है ई टू द पावर एक्स को कॉमन करना है। जब ये ऊपर जाके माइनस में बनेगा तो आप वैल्यू निकालेंगे तो लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स निकल के आएगी। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा था कि एम प्लस एन कॉमा एन माइनस एम,
और m माइनस एन कॉमा एम प्लस एन के मध्य बिंदु क्या होंगे। अगर मध्य बिंदु की बात करें तो मध्य बिंदु होते हैं x1 प्लस एक्स टू वाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू वाई टू। तो यहाँ पे ये हो जाता है x1 वाई वन एक्स टू वाई टू। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, तो x1 को लिखा प्लस x2 को किया y2 और y1 y2 y2। तो यहाँ पे 2m by 2 और 2n by 2 जब सॉल्व करेंगे तो आपके बिंदु निकल के आएंगे m कॉमा n। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें कि a कॉमा b कॉमा c अगर AP में है तो 1 अपॉन b प्लस c कॉमा 1 अपॉन c प्लस a कॉमा 1 अपॉन b प्लस c किस में होंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने क्या आंसर निकाला था और आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे पूछ रखा है कि एक लिमिट दी है माइनस दो से दो कोष्टक में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये थी कि ये कोई प्रगुण बनता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे प्रगुण का इस्तेमाल करके जो वैल्यू निकलनी थी वहाँ पे शायद मोड में कोई वैल्यू बन रही है। अगर मोड में जब उसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वहाँ पे चार निकल के आएगा। और इसके अलावा फिर आप अगर कुछ और आंसर निकलता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, हमसे दे रखा था कि द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन इज, मतलब उस वृत्त का समी उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जो केंद्र से होकर जाता है और जिसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, इसकी कंपेयर करनी थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से हमें यह कंपेयर करनी थी। तो यहाँ पे जो जी है वो निकल के आएगी वन बाई टू और एफ यहाँ पे दे नहीं रखा है तो एफ हो गया ज़ीरो। और अब ये का या अब क्या करना है आपको, जब त्रिज्या का निकालनी होती है त्रिज्या का सूत्र होता है कि अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे वन बाई टू तो ये अंडर रूट के अंदर बन जाएगा वन बाई फोर प्लस एफ की वैल्यू हमें दे रखी है ज़ीरो। उसके बाद सी बस पॉइंट यहाँ पे था कि सी की वैल्यू क्या रखेंगे। तो सी की वैल्यू मतलब क्या होता है, ये अंतखंड होता है एक तरह का, लेकिन जब ये केंद्र से जाता है तो अंतखंड का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पे सी की वैल्यू बस जीरो रखनी थी तो वन अंडर रूट के अंदर हो जाएगा वन बाई फोर। तब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी एक बट्टे दो मात्रक। आई होप दोस्तों आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें। अगर तो क्वेश्चन नंबर सेवन हमें दे रखा था यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो तो मोड ए क्रॉस बी का हमसे मान पूछ रखा था। तो वहाँ पे एक मोड ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो ए डॉट बी निकल के आएगी। कैसे आएगी, आपको पता है कि ए डॉट बी कब होता है ज़ीरो, जब उनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है तब। तो ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी होता है मोड ए डॉट मोड बी और साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब 90 रखेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा मोड ए डॉट मोड बी। अब मोड ए मोड बी को हम डायरेक्ट ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो रखा है होगा पहले से ही। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी ए डॉट बी या ए इंटू बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर एट हमें दे रखा था, हमसे पूछा था फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, मतलब बिंदु दो कॉमा तीन कॉमा चार की एक्स अक्ष से हमसे दूरी पूछी थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि जिस अक्ष की हमसे दूरी पूछी जाती है तो उस पॉइंट को हम हटा देते हैं, उसके बाद अंडर रूट के अंदर बाकी जो वैल्यू दे रखी होती हैं उनके स्क्वायर करके उनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम टू हटा देंगे, उसके बाद थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा ये नाइन और प्लस ये हो जाएगा सिक्सटीन। तो अंडर रूट के अंदर जब ये 25 आएगा तो वैल्यू निकल के आएगी पाँच मात्रा। कुछ नहीं करना है, जिस अक्ष से दूरी पूछी जाए तो उस पॉइंट को हम हटा देते हैं, उसके अलावा दिए हुए पॉइंट का वर्ग करके योग करके उनका अंडर रूट निकाल लेते हैं, वही वैल्यू जो आती है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन हमें दे रखा था कि लॉग टेन कोष्टक के अंदर फाइव लॉग टेन फाइव लॉग हंड्रेड टू दी हंड्रेड की बेस में टेन दे रखा था और उसका होल स्क्वायर दे रखा था। तो इसमें क्या करना था हमें, तो सबसे पहले जो अंदर लिखा है लॉग टेन और हंड्रेड, तो सबसे पहले हंड्रेड को ही हमें लिखना था टेन का होल स्क्वायर। और जब ये लॉग के नियम से जब ये आगे आएगा तो यहाँ पे बनना था डायरेक्ट यहाँ पे जो टू लॉग टेन और ये टेन, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ पे बन होनी थी। तो अब क्या बचा था यहाँ पे, इस तरह से बचता फिर ये लॉग टेन और जो ये फाइव और जो टू आया था आगे, तो ये हो गया फाइव टू या टेन। अब टेन का जो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा लॉग टेन और ये हो जाएगा हंड्रेड। अब हंड्रेड को हम फिर से सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा
लॉग टेन, और ये फिर उसके टू आएंगे निकल के आगे, और ये हो जाएगा फिर से टेन। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगी वन। तो हमारा फाइनल आंसर है टू इंटू वन, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा टू। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर टेन था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो ये फॉर्म बन जाता है जीरो बाय जीरो का, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें मिलती है तो सबसे पहले बस एक ही हम काम हमें करना चाहिए और हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि अंश का अलग और हर का अलग, मतलब दोनों का अवकलन करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म से बाहर नहीं आ जाते। तो ऊपर जब यहाँ पे अवकलन करेंगे एक्स टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम का, तो एक्स टू दी पावर एम का हो जाएगा एम एक्स एम माइनस वन, और ये हो जाएगा जीरो, और नीचे हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, और ये फिर से हो जाएगा जीरो। तो इनसे तो हमें मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे हम लिमिट रख के देखेंगे तो एक्स की जगह पर जब हमने ए रख के देखा तो ये बना एम एक्स एम ए एम की पावर माइनस वन एम माइनस वन, उसके बाद एन ए एन माइनस वन। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर है हमारा निकल के आएगा एम अपॉन एन ए टू दी पावर एम माइनस एन। आई होप दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे अंडर रूट माइनस आई की वैल्यू पूछी थी। तो ये आपको याद करना होगा, ये आपको दिमाग में बिठाना होगा कि अंडर रूट माइनस आई की जो वैल्यू है वो होती है प्लस माइनस वन माइनस आई अपॉन रूट टू। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा था कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है कि माध्यिका बराबर होता है कि जितने हमें पद दिए होते हैं उनमें एक का योग, मतलब n प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे जब काउंट करते हैं तो यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हमें दे रखें। तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2, यानी कि जो माध्यिका हमारी होगी वो चौथा पद होगी। तो यहाँ शुरुआत से हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 यानी जो 5 है, 5 अंक वो हमारी यहाँ पे माध्यिका हो जाएगी और हमारा आंसर जो है वो 5 निकल के आ जाएगा। बताइए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि जो पद निकल के आता है यहाँ पर, ये आप थोड़ा दिमाग में रखना है, कहीं आपने जो आपने सॉल्व किया तो 7 + 1/2 यानी जब 4 आपका निकल गया तो गलती से आप 4 टिक मत कर देना, क्योंकि यहाँ बात पदों की हो रही है। तो चौथा पद जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ना कि 4। आई होप दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 था कि बाई इक्वल टू कॉट कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका डी वाई डी एक्स हमें निकालना था। तो कॉट एक्स का होता है क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अब आपने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स को हमें मानना है टी। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, और उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल के आएगा प्लस का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। उसके अलावा डिपेंड करता है कि वहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पूछी होगी, इनवर्स वाला पोर्शन हटा दिया होगा। तो आपको बुक क्या करना है, उसमें जो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे एक आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका वो आंसर वहाँ पे राइट मिल जाएगा, कुछ इस तरह से नीचे 1 + x² करके कोई वैल्यू उसकी निकल के आएगी। आप सॉल्व करके देखना, उसके बाद आंसर कमेंट करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 था कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान हमसे क्या पूछा था, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा बी। कैसे आएगा, आप ऐसे समझिए डायग्राम से कि जैसे ये कोई ए हो गया, इसके अंदर ये बी हो गया। तो मतलब ए यूनियन का मतलब होता है कि मतलब दोनों में संगठित। अब इसके अलावा अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो मतलब वो पद, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो यही तो वो पद निकल के आएगा जो कॉमन नहीं है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो यही निकल के आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर बी। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हमसे क्या रखा है कि बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के बीच जो क्षेत्रफल घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका मान क्या है। तो ये तो आपको कई बार आपने बुक्स में देख रखा होगा और ये उदाहरण में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के बीच जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 16/3 ए स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना होगा। और इसके अलावा बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और बाई बराबर mx प्लस c के बीच अगर बात करें तो उसका मान जो होता है 8/3 एम स्क्वायर। ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं फिजिक्स की। 15 क्वेश्चन ही मैथ में मुझे मिले तो मैंने आपको आपको वीडियो में दे दिए। उसके बाद अब फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में ही मुझे 6 क्वेश्चन मिले। अगर आपको और क्वेश्चन आपके पास हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना। क्या रखा है पहले क्वेश्चन में कि यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको अगर पता होगा कि जो प्रतिरोध और उसकी लंबाई में जो संबंध होता है तो रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। अब हमसे क्या कह रहा है कि लंबाई में अगर वृद्धि कर दी जाए, यानी ये तो प्रोपोर्शनल है आर प्रोपोर्शनल टू एल, तो जब हम इसकी लंबाई में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके प्रतिरोध में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर था कि जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर कि यहाँ से तो एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि यदि सरल आवर्त गति में ऊर्जा संरक्षित होती है, मतलब कौन सी स्थिति, मतलब कौन सी ऊर्जा संरक्षित होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या फिर कुल ऊर्जा। तो आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि गतिज सरल आवर्त गति में उनकी जो है वो कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें पूछ रखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, उन्हें ही ये पुरस्कार मिला था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। 5वें नंबर की बात करें तो पूछ रखा है कि श्यानता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो श्यानता का विमीय सूत्र होता है ml-1 t-1। मैंने एक वीडियो में आपको करा रखा है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी करवा दूं कि जो सूत्र होता है f = -ηA dB/dx। तो जब ईटा को ही बोलते हैं हम श्यानता गुणांक, तो एफ का क्या होगा विमीय सूत्र ml t-1 ml t-2, इसके अलावा इंटू एल नीचे होगा l2 और ये हो जाएगा l t-1। तो l और 1l और इससे 1l, और जब यहाँ पे फिर एम एल वाला नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा ml-1 और t है माइनस का, ऊपर है प्लस माइनस का 2, तो ऊपर जाएगा तो t-2+1 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर बजेगा t-1। तो आपका जो विमीय सूत्र निकल के आएगा श्यानता गुणांक का ml-1 t-1। आगे चलते हैं, क्या रखा है कि सरल आवर्त गति में मध्य बिंदु पर क्या शून्य नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरल आवर्त गति में मध्य बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान शून्य नहीं होता और गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर सर्वाधिक होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगर हम जीके के पोर्शन की, तो जीके के क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब थे। जिसने भी पढ़ा होगा उसने कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन तो एकदम राइट टिक किए ही होंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इराक की राजधानी क्या है। तो मैंने आपको एक ट्रिक का वीडियो भी दिया है, उसमें मैंने बताया है कि अगर राजधानी इराक की निकालनी हो तो हम यहाँ पे बर्ड को देखते हैं, रॉक बर्ड को यहाँ पे हम पकड़ते हैं। तो रॉक, जैसे ही हमने रॉक को देखा, रॉक मतलब होता है रॉक मतलब चट्टान। तो अगर हमें किसी चट्टान को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, कोई मजबूत सा हथियार लेंगे। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि उसे तोड़ने के लिए हम गदा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गधे से जो मजबूत है वो हथियार शायद ही कोई होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गधा, तो बस रॉक को कनेक्ट कर दीजिए गधे से, तो इराक की राजधानी हो गई बगदाद। और ऐसे ही अगर आप जानकारी चाहते हैं ट्रिक्स के माध्यम से जीके को लर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो आपने नहीं देखा है राजधानियों वाला, मैंने एयरफोर्स के लिए जो इसकी क्रैक कोर्स सीरीज स्टार्ट की है, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है नहीं वो होने ही वाला है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डेल्टा बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। तो डेल्टा बनाने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की कि चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा है युआन और वहाँ की राजधानी है बीजिंग। क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या रखा है कि किडनी की इकाई क्या है, तो किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे पूछ रहा है कि ASAF की फुल फॉर्म क्या है, तो ASAF की फुल फॉर्म होती है एग्रीगेट सर्वर एसेज प्रोटोकॉल, एग्रीगेट सर्वर एसेज प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि GT रोड कहाँ से कहाँ तक, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो रोड है वो अमृतसर से कोलकाता तक बना हुआ है, अमृतसर से कोलकाता तक बना हुआ है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस मार्ग को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर सात की बात करें तो 10, 40, 60 का माध्य क्या होगा, तो 10, 40 और 60 को जब ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 110/3। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि BRB का फुल फॉर्म क्या है, तो BRB का फुल फॉर्म होता है बी राइट बैक। BRB का फुल फॉर्म होता है बी राइट बैक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हैदराबाद में कौन सा पुस्तकालय है, तो हैदराबाद में जो पुस्तकालय है उसका नाम है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोहिनूर हीरा कहाँ पर मिला था, तो सबसे पहले जो कोहिनूर हीरा है वो इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे मिला था, तो सबसे पहले वो मिला था गोलकुंडा की खान से। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज हड़प की नीति किसने अपनाई थी, तो राज हड़प की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, वहाँ पे एक ऑप्शन था लॉर्ड डलहौजी, जिसने भी लॉर्ड डलहौजी को टिक किया होगा वो एकदम राइट है और इसका एक नंबर यहाँ से पक्का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 था, ये सीरीज से हमसे पूछा था कि 3, 7, 15 बीच में खाली स्थान, उसके बाद 63 हमसे पूछ रखा था कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो आप यहाँ पे सीरीज को समझिए कि अगर हम क्या है कि अगर 3 में 4 जोड़ दें, 3 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 7 आता है, उसके बाद 7 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 15 आता है, उसके बाद आगे क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे देखिए 4 फिर 8 उसके बाद अगर हम 16 मतलब यहाँ पे उनका दोगुना होता जा रहा है, तो अगर हम 15 में 16 को ऐड कर देंगे तो वहाँ पे हमारा 31 निकल के आ जाएगा, और अगर हम 31 में उसके बाद आगे सीरीज ऐसी चलती जाएगी, 16 के बाद 32 अगर हम ऐड करेंगे, 31 में 32 ऐड करेंगे तो हमारी 63 भी प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो 31 आंसर है वो एकदम यहाँ से राइट निकल के आता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आई होप आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां पर खेले गए थे, तो पहले कॉमन मतलब कब खेले गए थे, तो पहले कॉमनवेल्थ गेम 1930 में खेले गए थे। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन एक पूछा था, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है और ये मूर्ति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। 16वां नंबर क्वेश्चन था कि एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं, तो इस एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 69 मेडल जीते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल। 18 नंबर क्वेश्चन था लोनार झील है, तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है ये लोनार झील। 19 नंबर क्वेश्चन था कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है, तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि जो डिफेंस से संबंधित फुल फॉर्म बन सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट हो, मिसाइल्स को लेकर हो, तो उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा इनका मतलब यहाँ कहाँ पर ये स्थित है उससे संबंधित और इनकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। इसमें कुछ लर्न करने वाला ज़्यादा नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं कुवैत को कुवैत से, तो कुवैत की राजधानी हो गई कुवैत सिटी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो 2020 में ओलंपिक खेल जो हैं वो टोक्यो में होंगे और टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो कह रहा है कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो रिकेट्स वो है जो है बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी जो कि मिस्र में बहती है। और क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर हम चलें, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि ब्लाइंड वर्ल्ड कप विनर कंट्री कौन है, तो ब्लाइंड वर्ल्ड कप विनर कंट्री जो है वो है इंडिया।
इसके अलावा अगर गंगा की सबसे सहायक नदी की बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। 28 नंबर क्वेश्चन में NCTE की फुल फॉर्म हमसे पूछी थी, तो NCTE की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन फुल फॉर्म होती है NCTE की। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर कि बालगुरिया की मुद्रा क्या है, तो बालगुरिया की मुद्रा है, डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बालगुरियन लेब है बालगुरिया की मुद्रा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी, तो सबसे पहले जो ये है कोलकाता में लगाई गई थी 1818 ईस्वी में। 31 नंबर क्वेश्चन में ROFL की फुल फॉर्म हमसे पूछी है, तो ROFL की फुल फॉर्म होती है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। 32 नंबर क्वेश्चन है TOEFL की फुल फॉर्म क्या है, तो TOEFL की फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इसके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी थी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनवरा। 34 नंबर क्वेश्चन में सीरीज से फिर एक क्वेश्चन था कि 4, 10, 82, 244, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है दोस्तों। जितना अगर आप कमेंट करेंगे या कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे, उतना ही मैं ज़्यादा मोटिवेट होता जाऊंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि अपना 100% आपको दूं, लेकिन आप लोग क्या है कि वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक करने में कंजूसी कर देते हो और अपना 100% देने से चूक जाते हो। सो फ्रेंड, अब आगे से जब भी आप वीडियो देखा करिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करिए, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे कठोर मांसपेशी कौन सी है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी किस स्तर तक की है। 36 नंबर क्वेश्चन था कि हु नेम्ड विटामिन, यानी विटामिन नाम किसने दिया, तो विटामिन जो नाम है उसे दिया फंक ने, फंक ही वो थे जिन्होंने विटामिन का नाम रखा। उसके बाद अगर बात करें एक बाइट में कितनी बिट होती है, तो एक बाइट में होती है 8 बिट। 38 नंबर क्वेश्चन था कि पीरियोडिक टेबल में कितने नॉन मेटल हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 17 नॉन मेटल हैं। खिलौना महोत्सव कहाँ पर हुआ, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने करंट किस हद तक तैयार कर रखा है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, नहीं तो फिर PDF बना के मैं सारे आंसर ज़रूर दे दूंगा। आप ये मत सोचना कि जब भी आप सब क्वेश्चन मुझसे ही पूछ रहे हैं तो आप फिर आपने वीडियो ये बनाया ही क्यों है। तो फ्रेंड्स, विश्वास रखिए मैं सारे आंसर आपको PDF बना के दे दूंगा, तब तक मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन था कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44। क्वेश्चन नंबर 41 था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं, तो राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में हमसे पैन का फुल फॉर्म पूछा था, तो पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन का फुल फॉर्म। 43 नंबर क्वेश्चन था कि रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। 44 नंबर क्वेश्चन था कि भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा है नगुलट्रम है भूटान की मुद्रा। अजीब सा नाम है लेकिन क्या करें दोस्तों, है तो आपको याद करना पड़ेगा, भूटान की मुद्रा है नगुलट्रम। 45 नंबर क्वेश्चन था कि 6, 13, 28, 59 में क्या भरा जाएगा, ये सीरीज से क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे सीरीज को समझिए कि 6 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड किया तो आया 13 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 को ऐड किया तो आया 28 में हमने 3 का मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड किया तो आंसर आया 59। इसके बाद 2 को यहाँ पे मतलब 28 में 2 का मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड किया तो आया 59। अब 59 में हमें फिर से मल्टीप्लाई तो 2 का करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो यहाँ पे हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 122। ये सीरीज यहाँ पे बन रही थी। इसके बाद आगे बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो MPEG की फुल फॉर्म हमसे पूछी थी, तो MPEG की फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है MPEG की फुल फॉर्म। 47 नंबर क्वेश्चन था कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 48 नंबर क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय था लॉर्ड कैनिंग। 49 नंबर क्वेश्चन था कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया, तो पंचतंत्र जो है वो 300 ईसा पूर्व में लिखा गया और इसे विष्णु शर्मा ने लिखा था, ये विष्णु शर्मा का ही उपन्यास है पंचतंत्र।
पंचतंत्र की कहानियाँ आपने बहुत पढ़ी होंगी पिछली क्लासों में, छोटी छोटी क्लासों में इंक्लूड हैं, और आप चाहें तो नेट पे जाकर भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कहानियाँ आपको मिलेंगी। 50वां क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में भाषाओं की बात करें तो भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। 51 नंबर क्वेश्चन था कि सर्वोत्तम साहित्य सम्मान कौन होता है, तो सर्वोत्तम साहित्य सम्मान होता है मैन वोकर सम्मान। 52 नंबर क्वेश्चन था कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और अगर हो सके तो दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दें ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।